सलाड सब कुछ है मसीह की डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आप लोगों को वेलकम है। इस रात्रि काल की प्रार्थना में प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन कि प्रभु जी एक बार फिर आपने मुझे प्रभु जी मदद किया कि मैं आपके समीप आकर प्रभु जी आपके लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ परमेश्वर हर एक भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी आपके पीछे चलते हैं, जो आपके वचनों को थामे रहे मेरे यहोवा परमेश्वर। आपने कहा कि तुझे घोर अंधकार भी ना छुपा पाएगी मेरी करुणा और मेरी दया से। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे तुझसे प्रेम करने से रोक सके परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे यीशु राजा की आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी कृपा युगन युग हमारे बच्चों पर, हमारे लोगों पर, हमारे परिवार पर रहता है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हम सब मिलकर बोलेंगे यीशु राजा की जय हो, यीशु राजा की जय हो, यीशु राजा की जय हो। रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ मेरे यीशु राजा परमेश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा हमारे लोगों पर रहती है प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप महान परमेश्वर हो, आप महान परमेश्वर हो परमेश्वर। आप कभी उंघाते नहीं हो, आप हमेशा अपनी आंखें हम लोगों पर लगा कर रखते हो। आपकी दया, आपकी कृपा हमेशा हमारे लोगों पर बनी रहती है प्रभु जी। पूरे दिन संभालते हो, पूरे दिन अगुवाई किया। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, मेरे यीशु राजा आप महान परमेश्वर हो, आप महान परमेश्वर हो। आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो मेरे यीशु राजा, आपको धन्यवाद हो मेरे यीशु राजा, आपको धन्यवाद हो मेरे यीशु राजा। आपको जय जयकार हो खुदावन यीशु, आपको जय जयकार हो मेरे यीशु और परमेश्वर। मेरे खुदावन जब हम वचन की ओर जाते हैं तो प्रभु जी हम जब वचन को पढ़ते हैं प्रभु यीशु, तो आप हमें अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपना ज्ञान दीजिए ताकि उन वचनों को हम समझ कर और उनको प्रभु जी उनको अपने हृदय में रखकर उस पर चलने वाले हैं। आइए मेरे प्रियो, हम यूहन्ना की पुस्तक और हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक से 6:25 से। आइए हम साथ में मिलकर वचन को पढ़ेंगे। झील के पार जब वह उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इन वचनों के लिए। सच में प्रभु जी, जब मनुष्य ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं प्रभु जी, ओ मेरे यीशु राजा, ओ मेरे प्रभु, जहाँ पर प्रभु जी हर समय ठोकर है, हर समय तकलीफ है,
हर समय प्रभु जी नाना प्रकार के प्रभु जी कठिनाइयां है, तो मेरे यीशु राजा वो जान सके कि हम ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो नाशवान चीज है, लेकिन जो आपकी खोज में लगे हुए हैं परमेश्वर दिन रात। प्रभु यीशु आपने कहा कि सांसारिक वस्तुएं अपने आप तुम्हारे पीछे हो लेंगी और उन वस्तुओं को आप आशीष के साथ दोगे ताकि उनमें कोई बीमारी ना हो, उनमें कोई रोग ना हो, तो कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई कमी घटी ना हो। तो प्रभु जी आपके बेटे और बेटियां पहले आपकी खोज में लगने पाए, ओ प्रभु जी आज वो अपने हृदय को बदलने पाए, आज वो अंगीकार करने पाए, इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में एक बड़ी बेदारी को दे दीजिए, ताकि जो वो सुबह प्रभु जी सोकर उठे और जब अभी सोते हैं तो सच में प्रभु आपके दर्शन को देखने पाए और आप स्वप्न के द्वारा उनसे बातचीत करो, जो कार्य आप उनसे लेना चाहते हैं वो उन्हें बताएं, उन्हें प्रकट करें। ओ प्रभु यीशु मेरे यहोवा आप मदद कीजिए, ओ प्रभु जी जो विजन जिनके लिए है वो विजन उन्हें दिखाइए, आप मदद कीजिए। और परमेश्वर मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपके बेटे और बेटी के शरीरों को ओ प्रभु जी जो बीमारियों ने जकड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम से हर एक टाइफाइड, हर एक मलेरिया, हर एक डेंगू मैं यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ, हर एक शरीर से यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। इसी समय आपकी आशीष, आपकी हीलिंग मैं बोलती हूँ, मिरेकल, आप मिरेकल करने वाले परमेश्वर हो, आप चमत्कार कीजिए, सारा रोग एक एक लोगों के शरीर से दूर होने पाए, हर एक डायबिटीज, माइग्रेन, सर्वाइकल पेन, ओ प्रभु हार्ट की प्रॉब्लम, सर्वाइकल पेन, ओ बीपी की प्रॉब्लम, आई साइड वीक होना, सारे बीमारियां, सारा रोग मेरे लोगों के जीवन से दूर हो जाए, हर एक कैंसर यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ, यीशु के नाम से सारी बैक्टीरिया निकलने के लिए मैं हुक्म देती हूँ। आप यीशु राजा हो, आपके नाम से हर बीमारी निकलती है, हर मुर्दे जीवित होते हैं, हर अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, ओ हालेलुया, हालेलुया, आप अद्भुत कार्य कीजिए। इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कीजिए, हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक झूठ बोलने वाली शक्ति, हर एक झूठा केस यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं, हर एक डाइवोर्स केस हम कैंसिल करते हैं, पति पत्नी को मन की आत्मा दीजिए, हर एक लड़ाई झगड़ा हर घरों से निकलने पाए, बाप बेटों में जो लड़ाई है, माता और बच्चों में जो लड़ाई है, पति पत्नी में जो लड़ाई है, बहन और भाइयों में जो लड़ाई, हर एक लड़ाइयों को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। यहाँ बहनों में जो लड़ाइयां हैं, ओ प्रभु परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई भी मन मिटाव है, तो मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ उस जगह पे, आपके मेल मिलाप को बोलती हूँ परमेश्वर, जहाँ आपने कहा कि तू अपने भाई या बहन के आंखों के तिनके का कारण ना बनना, परमेश्वर हर एक रिलेशन में, हर एक संबंध में मैं आपका प्रेम उंडेलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और जो जवान हो गए हैं बच्चे, जिनकी मैरिज की एज हो रही है, ओ परमेश्वर उनके माता पिता चिंतित हैं, ओ परमेश्वर जो भी योग्य जीवन साथी आपने रखा है वो जीवन साथी जल्द से जल्द मिलने पाए यीशु के नाम से। आप अद्भुत कार्य करना, हर एक कर्जा दूर होने पाए, हर एक अंधकार की शक्तियां घरों से निकलने पाए, जो रात को गंदे गंदे स्वप्न देखते, मैं यीशु नाम से सारे गंदे सपने को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से। आपने अपने लोगों को स्वतंत्र करने की आत्मा दी है, स्वतंत्र होने पाए, आजाद हो जाएं, हर एक घर पे, हर खिड़की पे, हर दरवाजे पे मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ मेरे यीशु राजा। हालेलुया। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री को ब्लेस कीजिए परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी जितनी भी सेवाएं चल रही हैं अलग अलग स्थान में, परमेश्वर आप अनुग्रह करना, जो लोग अपने प्रभु जी कमी घटी से अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं सेवा के लिए, इस कार्य के लिए, इस राज्य को बढ़ने के लिए, उनकी कमाई में 100 गुना फल देना, और प्रभु जी आप ब्लेस करना। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, उत्तर को हर एक लोगों के जीवन में दीजिए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय मसीह की। गुड नाइट।